ओके, क्वेश्चन नंबर 11। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² dx। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे लेट कर लो, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये राइट डाउन कर लो, d/dx कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू dt/dx। तो d/dx कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता है आपका, -1/√(1 − x²)(dt/dx), ये हो जाएगा 1/√(1 − x²)(dx) आपका क्या हो जाएगा, -dt। अब चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका बताओ। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, ठीक है, तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस टी, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, कॉस टी। ठीक, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लो, एक्स की जगह हो गया आपका कॉस टी, और कॉस इनवर्स एक्स की जगह आप क्या रिप्लेस कर लो, टी, और 1/√(1 − x²)(dx) की जगह आपका क्या है, -dt। तो ये माइनस का साइन ले लो और फिर आपका ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लो। फिर यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करोगे, आईलेट का। ठीक है, आईलेट, तो यहाँ पे देखो अल्जेब्रिक फंक्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये टी हो जाएगा, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, और कॉस टी आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन लोगे इसको, सेकेंड फंक्शन। अब आप इसको अरेंज कर लो, -t cos t dt। ठीक है, -t cos t dt। ठीक है, अब यहाँ पे रूल अब इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला राइट डाउन कर लो, इंटीग्रेशन u इंटू v dx क्या होता है फार्मूला, u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस आपका क्या हो जाता है, u', ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन v dx का आपका क्या हो जाता है, ये होल dx। ठीक है, अब यहीं पे ये फार्मूला अप्लाई करो, माइनस का साइन बाहर ले लो और आपका ऐसे कर लो, तो ये हो जाएगा t इंटीग्रेशन cos t dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन ये लिख लो d/dt, और आपका क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा, और ये कर लो इंटीग्रेशन cos t dt, ठीक, का ये होल dt। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का साइन t और इंटीग्रेशन cos t आपका क्या हो जाएगा, ये sin t हो जाएगा, और माइनस d/dt करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और cos t का करोगे तो ये क्या जाएगा, sin t, और ये आपका हो जाएगा dt। ठीक, अब चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर है आपका, t sin t, और आपका क्या हो जाएगा, माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन साइन टी करोगे तो इंटीग्रेशन साइन टी आपका क्या हो जाएगा, -cos t, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं +cos t। ठीक, और प्लस क्या कर लो, सी कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, क्या लेट किए थे हम, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लेट किए थे। ठीक, तो यहाँ से अब यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर लो, क्या हो जाएगा, टी की जगह क्या पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करो, देखो क्या आएगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये साइन टी है और ये क्या है, कॉस टी है, दिया वैल्यू पुट करके बताओ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ सर फिर आएगा -cos inverse x t की जगह cos inverse x आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन टी वाले में क्या कर लेते हैं, इसको भी किसके फॉर्म में, साइन टी का √(1 − cos²)(x) cos²t। ठीक है, चलो वेरी गुड, जाएगा √(1 − x²)। ठीक,
अब यहाँ पे टी वैल्यू पुट कर देना, माइनस का साइन अब ओपन ऐसे रहने देते हैं, टी की जगह हो गया आपका कास इनवर्स एक्स, ठीक है, और साइन टी की जगह पे आपका क्या लिख लो पहले, अंडर रूट साइन टी की जगह पे क्या पुट कर दें, अंडर रूट वन माइनस कास स्क्वायर टी और प्लस कास टी प्लस आपका क्या है सी है, तो माइनस ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स अंडर रूट, और कास टी की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बता दो, ये हो जाएगा कास टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो ना, ठीक है, चलो अब ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस आपका ये एक्स हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम ओपन कर देंगे इसका ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका, ठीक, माइनस, अब या तो ऐसे ही रहने दो या फिर ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस कास इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर लो सब लोग। हो गया यहां तक सबका, रख कर दे रहे हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपका, इंटीग्रेशन एक्स इंटू, इंटीग्रेशन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे आईलेट, आईलेट में अब यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको कौन सा फंक्शन लोगे फर्स्ट, और ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है फार्मूला अप्लाई कर देना है, तो फार्मूला अप्लाई कर दो, तो फार्मूला लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ठीक, और डी बाई डी एक्स आप ये एक्स हो जाएगा और इंटीग्रेशन आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का ये होल डी एक्स हो जाएगा, ठीक, एक्स और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है फार्मूला, ठीक है, बोलो टेन एक्स, टेन एक्स, ठीक, माइनस अब d बाय डी एक्स का करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा और इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x करोगे तो ये tan x dx, यहाँ तक सब लोग सॉल्व कर लो। नेक्स्ट स्टेप में x tan x माइनस, अब इंटीग्रेशन tan x का फार्मूला क्या हो जाता है माइनस माइनस log क्या हो जाएगा cos x और प्लस क्या कर लो c कर लो, ठीक, माइनस लॉग, ठीक, इसको मॉड में लिख लो, माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है, ये हो जाएगा एक्स टैन एक्स प्लस लॉग ऑफ, ठीक, मॉड कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट कर लो सब लोग। ये इजी क्वेश्चन था, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, टैन इनवर्स एक्स दे रखा है ना, चलो इंटीग्रेशन टैन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है, अब देखो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन किसका करना है टैन इनवर्स एक्स का, तो इसको क्या करोगे ऐसे राइट डाउन कर लो, इंटीग्रेशन टैन इनवर्स एक्स इंटू वन डी एक्स, ठीक, और आईलेट जब लेके चले थे हम लोग आईलेट, तो बताए थे हमेशा कि इनवर्स फंक्शन कौन सा फंक्शन लोगे फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन लोगे और वन को क्या कर लोगे सेकेंड फंक्शन, क्योंकि वन से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करें कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं होता, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया इंटू वन कर लिया, क्यों किया यू भी मेथड के फॉर्म में चेंज करने के लिए। अब चलो यहाँ पे
जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई करो, तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस, अब आपका क्या हो जाता है डी बाई डी एक्स, ये होता है आपका टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन वन डी एक्स का, ये आपका क्या हो जाता है होल डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे देखो टेन इनवर्स एक्स, वन को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स आ जाएगा, और माइनस डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको करोगे तो ये x आएगा, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया और ये आपका क्या हो जाता है dx हो जाता है। ठीक, यहाँ तक कर लो सब लोग। चलो अब इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, ये यहाँ पे लिख लो कि लेट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या कर लेते हो t करते हो, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t करोगे तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो x dx इक्वल टू वन बाई टू डी टी। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे लिख लो x इंटू टेन इनवर्स x और माइनस, अब यहाँ पे कन्वर्जन कर लो x dx की जगह वन बाई टू और ये आपका डी टी और ये वन अपान ये क्या हो जाएगा t डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x टेन इनवर्स x माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। ठीक है, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू लॉग मॉड ऑफ टी की जगह क्या पुट कर दो, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कर लो, हो गया आकर्ष। चलो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, चलो एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, अब यहाँ पे फिर से चेक कर लो आई लेट। ठीक, अब देखो इनवर्स तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है इनवर्स भी नहीं है, आपका क्या दे रखा है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को कौन सा फंक्शन लेट करोगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, इसको अरेंज कर लिया करो तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू आपका x dx। फिर आपने फार्मूले में पुट करना है तो log x का होल स्क्वायर इंटू x dx माइनस ये लिख लो d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर ठीक इंटू इंटीग्रेशन x dx का ये हो जाएगा होल। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ठीक इंटीग्रेशन, अब इसका डिफरेंशिएशन अलग से कर लो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन के फॉर्म का हो जाएगा, तो टू लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स आप लॉग एक्स करोगे तो टू लॉग एक्स इंटू ये आपका आ जाएगा वन बाई एक्स। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो तो अब ये आ जाएगा टू लॉग एक्स इंटू वन बाई एक्स और इसको आपने इंटीग्रेट किया तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू और ये आपका क्या हो जाएगा होल डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू को बाहर ले लो और ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स टू को बाहर कर लोगे टू से टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लो,
अब यहाँ पे भी कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स अप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लो पहले। ठीक, अब देखो रफ कर दे रहे हैं। देखो अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू और माइनस। अब देखो लॉग एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब इसको अप्लाई कर लो, माइनस का साइन है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स और माइनस। ठीक है, अब लिखते चले जाओ, यूवी मेथड से इसको सॉल्व करो, माइनस क्या हो जाता है फिर आपका इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का आपका क्या हो जाएगा होल डी एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू और माइनस ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक, और माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स करोगे तो ये वन बाई एक्स और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू और ये डी एक्स, एक्स से एक्स आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे देख लूँ, ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू और माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू और माइनस। अब देखो ये वन बाई टू हो जाएगा और ये फिर क्या बच गया आपका एक्स बचा ना, तो एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और इसको पहले ऐसे कर लो प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे प्लस हो जाएगा वन बाई फोर एक्स स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लो इसको, ठीक है, रिया आंसर चेक कर लो, यही आ रहा है ना। चलो अब नेक्स्ट, सबका हो गया, अक्षत हो गया? यस सर। चलो कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो इसमें तो डायरेक्ट अप्लाई करते चले जाना है ना यूवी मेथड को। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लॉग एक्स डी एक्स, सेम उसी फॉर्मेट का है। तो इसमें क्या करोगे कि इंटीग्रेशन, इसमें पहला फंक्शन आपका क्या हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ना, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ये एक स्टेप लिख लिया करो, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। कभी भी जल्दीबाजी मत करना, नहीं फार्मूला लिखने में गलती हो जाती है। अब यहाँ पे फार्मूले को अप्लाई करो, ये हो जाएगा लॉग एक्स और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस। ठीक, और ये लिख लोगे डी बाई डी एक्स और ये हो गया आपका लॉग एक्स और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स का ये हो जाएगा आपका होल डी एक्स। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आपका ये हो गया लॉग एक्स और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर को करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यू अपान थ्री और वन को करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा और माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स वन बाई एक्स और ब्रेकेट में आ गया एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू अपान थ्री और प्लस एक्स और ये आपका क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में लॉग एक्स
एक्स क्यूब अपान थ्री प्लस एक्स माइनस, अब इसके ब्रैकेट को क्या करो, ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, एक्स से ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस वन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब अपान थ्री प्लस एक्स माइनस, अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपान थ्री। ठीक है, और ये डायरेक्ट अब ऐसे लिख लो, एक्स क्यूब अपान ये क्या हो जाएगा थ्री और इंटू थ्री और प्लस आप इसको एक्स लिख लोगे और होल का क्या कर लो, सी कर लो। यहाँ तक कंप्लीट कर लो सब लोग, ठीक। चलो अब देखो इसको हम ऊपर लिख दे रहे हो, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब अपान थ्री प्लस एक्स, और ये ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपान नाइन और माइनस एक्स और प्लस आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, आंसर यही आ रहा है ना, अक्षर मैच कर लो आस्था। चलो ठीक, अब देखो यहां से ही एक्सरसाइज 7.6 में यूवी मेथड के अलावा एक फॉर्मेट और होता है। चलो वो वाला फॉर्मेट एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, लिखो इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, और आपका ये फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाता है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स। ठीक है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस वाले फार्मूले को राइट डाउन कर लो, ठीक। क्या हो गया फार्मूला, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, यही आ जाता है आपका ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बोर्ड लेवल की बात करो या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 16 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है आपसे, इंटीग्रेशन देख लो, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स और आपका क्या है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे किस फॉर्मेट का है ये क्या हो जाएगा आपका, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, क्योंकि अगर आप डी बाई डी एक्स साइन एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ई टू द पावर एक्स और ये हो गया एफ एक्स, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स के फॉर्म का। तो आप यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में ये फार्मूला डायरेक्ट दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, तो ई टू द पावर एक्स और यहां से ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। राइट डाउन कर लो यहां तक। चलो नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, चलो अब इसको भी हम क्या करेंगे, सेम उसी फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स के फॉर्म में इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे एक्स प्लस वन
और माइनस वन कर सकते हैं, और इसको आप वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो, और ये कर लो आप e टू दी पावर एक्स। ठीक है, इसको आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा x प्लस वन अपान, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और माइनस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा dx। राइट डाउन कर लो यहाँ तक। क्वेश्चन में ना ये अच्छा, इसीलिए यहाँ पे चल यही, इसलिए यहाँ पे दिक्कत भी दिख रही थी। ठीक, ये आपका होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वन अपान ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये वन प्लस एक्स ऐसे राइट डाउन कर लो, और माइनस, ठीक, और यहाँ पे इसको ये कर लो, ठीक, वन अपान वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पे देखो e टू दी पावर x dx, और ये e टू दी पावर x dx। अब यहाँ पे आपका एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही आएगा ना, बताओ। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x इंटू वन अपान ये वन प्लस एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। राइट डाउन कर लो। हो गया सबका, ठीक है, सेम वही फॉर्मेट है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 18। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस ये क्या है आपका कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको भी आप चेंज करोगे किस फॉर्म में, जो फार्मूला होता है e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में, तो इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे e टू दी पावर x, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो वन प्लस साइन एक्स को, इसको कन्वर्ट कर लो, क्या कर लें इसको बोलो, ये वन प्लस क्या लिख लोगे टू साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू, ठीक, और वन प्लस कास टू एक्स को क्या पुट कर लें आस्था बताओ, टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, और ये आपका होल डी एक्स, आपका वन और वन क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक कर लो सब लोग, हो गया सबका। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, और ये हो जाएगा इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, वन बाई आपका क्या है टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, अब देखो यहाँ पे टू साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू, और ये टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू, अब ये देखो ये इससे कट गया टू से टू कट गया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, और ये वन बाई अब इसको ऊपर लेके चले जाओ तो वन बाई टू, और सेक स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा कास का अपोजिट क्या हो जाता है सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये कर लो प्लस, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा टैन एक्स बाई टू, ठीक, और ये आपका हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे बताओ एफ एक्स क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स टैन एक्स करोगे तो क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक, और ये एक्स बाई टू है तो वन बाई टू भी आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ये एफ एक्स हो जाएगा, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स टैन एक्स बाई टू और प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
कंप्लीट कर लो यहाँ तक। हो गया सबका? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है आपका, इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। ये तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स और एफ डैश एक्स, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स और एफ डैश एक्स, जल्दी बोलो। ये हो जाएगा आपका, ये तो बहुत आसान था भाई, ये एफ एक्स हो जाएगा और ये एफ डैस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x 1/x प्लस सी। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था ये, इसको आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट में राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये फार्मूला दे रखा है। चलो 19 के बाद से अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x माइनस, ये लिख लो इंटीग्रेशन, ये है x माइनस 3 और अपान में क्या दे रखा है, x माइनस 3 अपान ये x माइनस 1 का होल क्यूब दे रखा है, ठीक, इंटू e टू द पावर x dx। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी इसको सेम फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, x माइनस 3 को अगर हम ऐसे लिख दें x माइनस 1, ठीक है, राइट डाउन कर सकते हो ना, x माइनस 1 और इसको ऐसे कर दें माइनस 2, राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि x माइनस 1 माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 ही हो जाएगा और अपान में x माइनस 1 का होल क्यूब dx और ये पूरे का आप ऐसे लिख लो e टू द पावर x है। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक कर लो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दें आप बताओ, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस 2 अपॉन आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब और e टू दी पावर x dx। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख दोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब और ये e टू दी पावर x dx, राइट डाउन कर लो यहाँ तक। अब यहाँ पे देख के बताओ एफ एक्स क्या हो जाएगा और एफ डैक्स एक्स क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये एफ एक्स हो गया और इसको क्या लिख सकते हो, ये एफ डैक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो प्लस, और ये चाहो तो इसको ऐसे माइनस लिख सकते हो, क्योंकि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें हम कर क्या रहे हैं, किस फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं, e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स के फॉर्म में इसको क्या कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं पहले। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये सबका। हो गया सबका? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर राइट डाउन कर लो, इंटी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब आपका क्या दे रखा है,
ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, ठीक है, यही मेथड आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे कौन सा रूल, आई लेट, ठीक है, और हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कहाँ पे लेते हो, लास्ट में लेते हो, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को कहाँ पे लेते हो, लास्ट में लेते हो। चलो तो अब हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। एक बार राइट डाउन कर लो, साइन एक्स और ई टू दी पावर टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो फार्मूला साइन एक्स और ई टू दी पावर टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और ये ई टू दी पावर टू एक्स डी एक्स का ये आपका क्या हो जाएगा, होल डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये साइन एक्स और ई टू दी पावर टू एक्स को करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर टू एक्स अपॉन टू, ठीक है, और ये साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे, डिफरेंशिएशन है ना, सॉरी इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स करोगे तो ये कॉस एक्स और फिर आपका हो जाएगा ई टू दी पावर टू एक्स और अपॉन में टू और इसका क्या हो जाएगा, ये होल डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब फिर से कर लो साइन एक्स और e टू दी पावर टू एक्स अपॉन टू, ठीक, यहाँ से वन बाई टू को बाहर ले लो और यहाँ पे भी आप क्या लिख लो, ये कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या करना होगा, सेकेंड फंक्शन लेना होगा। यहाँ तक कंप्लीट कर लो। चलो अब आगे लिख दे रहे हैं इसको। चलो नेक्स्ट स्टेप में आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स ई टू दी पावर टू एक्स अपॉन टू और माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पे भी आप रूल अप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स और ई टू दी पावर टू एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स आप क्या करोगे, ये कॉस एक्स और फिर ई टू दी पावर टू एक्स डी एक्स का ये होल डी एक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया साइन एक्स ई टू दी पावर टू एक्स अपॉन टू और माइनस वन बाई टू और इसको करोगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा और ई टू दी पावर एक्स टू एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक। और माइनस माइनस का साइन कर लिया, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स और ये आ जाएगा ई टू दी पावर टू एक्स अपॉन टू डी एक्स, ठीक है, राइट डाउन कर लो यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अब आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स ई टू दी पावर टू एक्स अपॉन टू, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये ओपन करोगे तो वन बाई टू, वन बाई टू ये क्या हो जाएगा, ये वन बाई फोर हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस एक्स ई टू दी पावर टू एक्स, ठीक है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और यहाँ पे भी ये वन बाई फोर और इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स ई टू दी पावर टू एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लो। और ये देखो ये किसकी वैल्यू है आपकी, साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर, इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, इसकी जगह आप आई लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लेके चले आए हम, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लोगे आई प्लस वन अपॉन फोर आई, ओके, इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, आई है ना सेम, तो ये आई ले लिए, तो ये हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर टू एक्स अपॉन टू माइनस वन बाई फोर कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर आपका क्या हो जाएगा, टू एक्स, ठीक है। अब इसको आप इक्वेट कर लो तो 4i और ये क्या हो जाएगा आपका 5i अपॉन 4 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x अपॉन 2 ये 1 बाई फोर कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x
और ये प्लस सी कर लेना यहीं से, ठीक है। यहां तक कंप्लीट कर लो सब लोग, हो गया सबका। अक्षत कंप्लीट हो गया यहाँ तक? यस सर। चलो अब इसको रफ कर दे रहे हैं और आगे देख लो क्या आएगा। ये एक्चुअली हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी है, आई की ना, तो यहाँ से देखो अब आई इक्वल टू फोर से मल्टीप्लाई कर दो और फाइव से डिवाइड, तो इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट फोर अपॉन फाइव, ये आ जाएगा आपका साइन एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन फोर इंटू फोर अपॉन फाइव, और ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स, और इसको भी लिख लो फोर अपॉन फाइव इंटू सी, ऐसे कर सकते हो। तो ये आ जाएगा टू से टू कट जाएगा, टू बाई फाइव कहाँ पे साथ, कहाँ पे अभी कर रहे हैं ना, ये देखो ये टू से टू को काट दिए, ये टू हो गया, ठीक है। तो ये आया टू बाई फाइव साइन एक्स ई टू द पावर टू एक्स, फिर ये फोर से फोर कट जाएगा, तो ये वन अपॉन फाइव कॉस एक्स ई टू द पावर टू एक्स, और चाहो इसको बड़ा वाला सी कर लो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब मैच कर लो आस्था। चलो हो गया आपका, अभी जल्दी कंप्लीट कर लो, दो तीन क्वेश्चन और हैं, ठीक है। चलो 21 कंप्लीट हुआ, आप चलो आते हैं 22 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है आपका, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया dx हो गया, ठीक। अब यहां पे क्या पुट कर दो, पुट x इक्वल टू tan t ले लें, x इक्वल टू tan t, क्योंकि यहां पे क्या होता है साइन 2x का फार्मूला मिल जाएगा ना, ठीक। x इक्वल टू क्या ले लिए tan t, तो d बाई डी एक्स ऐसे करोगे, डी बाई डी एक्स आप टैन टी कर लो, तो ये वन और ये आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर टी आपका क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्वर्जन करोगे तो साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा टू टैन टी अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर टी, और डी एक्स की जगह पे आप क्या कर लोगे सेक स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये किसका फार्मूला होता है, टू टैन टी अपॉन वन प्लस क्या है टैन स्क्वायर टी, किसका फार्मूला हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन टू टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी, ठीक। अब साइन इनवर्स साइन टू टी ये टू टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना, कंप्लीट कर लो यहाँ तक। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, कौन सा मेथड यूज हो जाएगा यहाँ पे, यूवी मेथड। तो आई लेट, तो पहले कौन सा फंक्शन लोगे, ये ना फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा आप इसका क्या कर लोगे ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप फर्स्ट फंक्शन लोगे, टू को क्या कर लेना ऐसे बाहर ले लोगे फर्स्ट और सेकेंड, और इसको खुद से क्या करो सॉल्व करो, कर लोगे ना इसको यूवी मेथड से। चलो अब इसको कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन नंबर 22 को। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 23 में क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपका है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब, और आपका क्या है ये डी एक्स है, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे,
यहाँ पे क्या पुट कर दें, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो 3x² dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, तो x² dx इक्वल टू 1/3 dt, तो यहाँ पे 1/3 कर लो और ये dt हो जाएगा और x क्यूब की जगह पे क्या है e^t dt। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक, अब e^t dt तो 1/3 और t की जगह पे ये e^t प्लस सी ही हो जाएगा, इसको लिख लोगे 1/3 और ये x³ + c। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए इज योर, चलो ठीक, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो 24 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन e^x sec x और आपका क्या है 1 + tan x, sec x 1 + tan x dx, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, sec x मल्टीप्लाई कर लो sec x और प्लस क्या हो जाएगा sec x into tan x dx, तो d/dx sec x क्या हो जाता है आपका sec x into tan x हो जाता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा f′x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा e^x sec x plus c। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी, तो ये आपका बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 7.6, ठीक है, सब लोग कंप्लीट कर लो, इसको हो गया ये वाला भी।